लेकिन गुरु कैसा हो, हर हाल में जो खुश रहने वाला हो। हाँ, गुरु कैसा हो। एक बार एक शिष्य ने गुरुजी के पास जाकर के कहा, बोले गुरुजी, एक सेठ जी आए हैं आश्रम में, गाय दान में देकर के गए हैं। गुरुजी ने कहा, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ दूध खाने के लिए हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद दूसरा चेला गया, बोले गुरुजी, जो सेठ जी गाय दान में देकर के गए थे ना, वो अपनी गाय लेने के लिए आए हैं। गुरुजी ने कहा, अच्छा हुआ गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। हाँ, हर हाल में जो खुश रहे वो गुरु है। एक बात कहूं, पहले तो गुरु बड़े मुश्किल से, लेकिन आज तो गलियन गलियन गुरु फिरे, कहां है मंत्र तुम ले। हाँ, हर जगह गुरु बहुत मिलते हैं। और मैं तो एक बात कहूं, गुरु तो अपने आप में श्रेष्ठ है ही, लेकिन शिष्य को भी बड़ा श्रद्धावान होना चाहिए। आजकल चेलों से भी बहुत गुरुजी को सावधान रहना चाहिए। एक गुरुजी थे बेचारे, बड़े ध्यान से सुनना है। एक महाराज जी थे, उनके दो चेले थे, एक का नाम था राम प्यारे और एक का नाम था श्याम प्यारे। राम प्यारे श्याम प्यारे दोनों गुरुजी की बड़ी सेवा किया करते थे। महाराज, इतनी सेवा, लेकिन एक दिन इन दोनों में, राम प्यारे और श्याम प्यारे में झगड़ा हो गया। अब इन्होंने काम बांट लिया आधा आधा। गुरुजी ने कह दिया, झगड़ो मत, आधा काम ये तेरा है, आधा तेरा है। सारा काम बांटा और सेवा भी बांट लिया। गुरुजी जब सोने जाते थे ना, तो दोनों चरण दबाते थे। श्याम प्यारे को कह दिया, श्याम प्यारे ने कहा, आज से केवल मैं एक चरण दबाऊंगा और एक तू दबाएगा। हाँ, अब दाहिना चरण श्याम प्यारे दबावे, बायां चरण राम प्यारे दबावे। सुन ले चेला, शिष्य ऐसे भी होते हैं ना, दाहिना चरण राम प्यारे दबावे और बायां चरण श्याम प्यारे। झगड़ा हुआ इनका बड़ा, झगड़ा थोड़ा नहीं हुआ, झगड़ा भी बड़ा तगड़ा हुआ। हाँ, एक दिन राम प्यारे किसी काम से गुरुजी ने भेज दिया बाहर, उसे कहीं जाना था, चला गया बेचारा। एक दिन उसे वहां लगा, रात्रि में श्याम प्यारे चरण दबा रहा था। इतना इनका झगड़ा था कि उसने एक ही चरण दबाया, एक पैर दबा रहा था, और चरण सेवा कराते कराते गुरुजी को, बेचारे लेटे थे, उनको नींद आने लगी। राम प्यारे चरण दबा रहा था, और जब गुरुजी नींद में हो गए, तो उन्होंने करवट लिया। महाराज जी, जैसे ही करवट लिया, तो सोने में जब व्यक्ति करवट लेता है, तो एक पैर दूसरे पैर के ऊपर तो आएगा ही। अब राम प्यारे जिस चरण को दबा रहा था, गुरुजी ने करवट लिया, तो जो श्याम प्यारे चरण दबाता था, वो वाला चरण राम प्यारे के चरण के ऊपर आया। और जैसे ही आया, राम प्यारे कहता है, तेरी ये मजाल, हाँ, जो चरण मेरे अधिकार में है, उसके ऊपर तू आ गया। गुरुजी सो रहे थे, राम प्यारे ने डंडा उठाया और गुरु जी के चरण में दिया एक। गुरु जी ने कहा, माफ कर मुझे प्यारे, क्या हो गया। महाराज, इसकी ये हिम्मत कैसे पड़ी। गुरु जी को बेचारों को दो चार महात्मा हॉस्पिटल ले गए, चरण तोड़ दिया उसने, प्लास्टर वगैरह लगवा के ले आए। अब दूसरे दिन गुरुजी सोने गए, तो श्याम प्यारे आए। और जब रात्रि में श्याम प्यारे सेवा करने गए, और उन्होंने देखा, जिस चरण की सेवा मैं करता हूं, उसमें प्लास्टर लगा है। पूछा, अच्छा हंस ले, पहले जोर से हंस, हंसो प्यारे बच्चों, हंसो हंसो, कोई बात नहीं, अरे हंसना है प्यारे।
जोरों से जैसे ही उसने देखा जिस चरण की सेवा मैं करूं उसमें प्लास्टर। बोले ये किसने किया? किसी ने कह दिया राम प्यारे सेवा कर रहा था, जिस चरण को तू दबाता वो चरण उसके ऊपर आया, उसने डंडे से तोड़ दिया। श्याम प्यारे ने कहा इसकी ये मजाल, डंडा ला। और श्याम प्यारे ने दूसरे में भी दिया। तो भैया कहाँ गए देवेंद्र गुप्ता जी? तो बड़े सावधान रहो प्यारे चेलों से। पर मेरे चेले ऐसे नहीं है बच्चे, मेरे भाई बहन। पहले तो कहते गुरु बड़ा सोच समझ के करो, लेकिन अब तो मैं कहूँ चेला बड़ा सोच समझ के करना प्यारे, बड़ा सोच समझ के। हाँ, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत यमान, चौथ भगति मन मम गुणगन कर ही कपट तज गान। राम जी कहते हैं मेरी कथा को छल कपट छोड़ करके गान करना, ये चौथी भक्ति है। पांचवी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है मेरे मंत्र का जाप करना। मैं एक निवेदन करूं, किसी के गुरु ने किसी को नाम दिया हो आपके लिए वही नाम श्रेष्ठ है, उसी का जाप करो। और अगर किसी के गुरु ने नाम नहीं दिया तो व्यासपीठ नाम दे रही है। राम नाम से बड़ा दुनिया में कोई नाम मंत्र नहीं है। राम नाम जपो प्यारे, केवल राम। छठ दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है शीलता रखते हुए सज्जनों का क्या धर्म है वो करना चालू करो। सातवीं भक्ति सातों मोहि सम मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे ज्यादा संतों का सम्मान करो। राम जी ने सातवीं भक्ति में कहा। और आठवीं आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखी परदोषा, सपन में दूसरे को दोषों को मत देखो, जितना आपके पास हो उतने में संतुष्ट रहो, खुश रहो। और नौमी सबसे सरल है, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। हाँ, नौमी भक्ति सबसे सरल है और वही तो हो नहीं पाती है। क्या मैं निवेदन करूं? राम जी का मिलना कठिन नहीं है, हमारा सरल होना बड़ा कठिन है, हम सरल नहीं होते। मैं एक भक्तमाल की एक कथा आपको बताऊं, नाभा जी ने लिखा है। कभी कभी सरलता से भगवान मिल जाते हैं महाराज। हाँ, बड़े ध्यान से सुनना है। सरलता में भगवान मिलते हैं। एक बार एक व्यक्ति था गांव में रहने वाला, तीन भाइयों के बीच में सबसे छोटा, आलसी व्यक्ति था। कभी वो कोई काम नहीं कर पाता था बेचारा, और उसको खाने को भी बहुत ज्यादा लगता था। हाँ, दुनिया ऐसी है, ज्यादा खाओगे काम नहीं करोगे तो घर वाले भी कहेंगे खाता ही रहता है यार, कुछ काम तो करना नहीं। भाई थे दो बड़े। एक दिन उनकी पत्नियों ने कहा, बोले ये भैया कुछ काम करते नहीं है, दिन भर खाते हैं और वहीं पड़े रहते हैं, और उस सब इतना आलसी, जहां खाए वहीं पड़ा रहे। निकाल दिया घर से, बोले घर से जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है। मेरे भैया बड़ा सरल था, घर से निकाल दिया गया, चला गया, जा रहा था कहीं, और रास्ते में एक महात्मा जी का आश्रम मिला। उसने देखा कि संत जी बढ़िया बैठे हैं, बाहर गद्दी लगी है, संत मोटे तगड़े बढ़िया हट्टे कट्टे थे। उसने विचार किया, लगता है बाबा जी को कोई खाने पीने का कष्ट नहीं होगा। हाँ, बड़े हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, तो क्यों ना हो मैं बाबा जी के पास ही रह जाऊं। बाबा जी के पास गया और कहता है महाराज मुझे तुम अपना चेला बना लो। गुरु जी ने कहा घर में पूछ के आए हो? उसने कहा महाराज हमारे घर में कोई है ही नहीं है, हम चेले ही बनने आए हैं। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। गुरु जी ने उसके सिर के बाल काट दिए, सन्यास की परंपरा, वस्त्र दे दिया लाल पीले पहनने के लिए, और जैसे उसे बाबा बनाया तो वो गुरु जी से कहता है, बोले गुरु जी ये बताइए खाना मिलेगा?
खाना भोजन बहुत लगता था इसे, भोजन मिलेगा चिंता मत करना। गुरुजी ने कहा भोजन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा गुरुजी कितने बार मिलेगा? गुरुजी ने कहा दो बार, यहाँ कनी है मैं, दो बार मिलेगा। उसने कहा महाराज दो बार में हमारा पेट नहीं भरेगा। गुरुजी ने कहा बोले 12 बजे से लेकर 2 बजे तक पंगत चलती है, जितने बार में पेट भरे उतने बार खाना, कोई कमी नहीं है। अब इसको बढ़िया जगह बता दी गई, आराम से रहता है, पड़ा रहता है दिन भर, आरती पूजा होती है मंदिर में तो शंख घंटी बजा देता है और दिन भर बढ़िया 2 बार 4 बार खाता है, मन में सोचता है बढ़िया हुआ, काम भी कुछ नहीं करना पड़ता और भोजन भी बढ़िया मिल रहा है, आनंद करो। हाँ 15 दिन तक रहा, चलता रहा, और 15 दिन के बाद क्या हुआ? 15 दिन के बाद एकादशी आई, और जैसे ही एकादशी आई, सुबह से इंतजार में बैठा था कि 12 बजे का घंटी बजेगी, मैं भोजन करने जाऊंगा, और जब घंटी नहीं बजी ना तो उठ करके रसोई की तरफ गया और देखा तो सब चूल्हे उल्हे ठंडे पड़े हैं, वहां कुछ नहीं। बोले भैया भोजन नहीं मिलेगा क्या? महात्माओं ने कहा तुझे पता नहीं है आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा यहाँ। वो कहता है ये एकादशी क्या होती है बेटा? बड़ा सरल था। हाँ लोगों ने कह दिया एकादशी को मंदिर में प्रसाद नहीं बनता, यहाँ उपास रहना पड़ेगा। इसने गुरुजी से जाकर के कहा बोले गुरुजी बहुत सारे चेला हैं, इनसे एकादशी कराओ, हमसे एकादशी मत कराओ। गुरुजी ने कहा नहीं, यहाँ तो एकादशी करना ही पड़ेगा। और जैसे ही कहा एकादशी करना ही पड़ेगा तो ये हाथ जोड़ के गुरुजी से कहता है गुरुजी सत्य कहूं अगर हमने आज एकादशी कर ली तो द्वादशी तक हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। बोलो जय सियाराम। अब गुरुजी ने कह दिया कोई बात नहीं, जब तेरे से नहीं चलता तो ले ले आटा भाटा ले ले, आश्रम में कुछ बनेगा नहीं, आश्रम के बाहर जाकर के नदी किनारे चला जा बना ले। और जैसे ये चलने लगा ना तो गुरुजी ने कहा बोले बेटा सुन, भोजन बनाना एकादशी है, भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन जब भोजन बनाना तो भोजन समझ के मत करना, भगवान को भोग लगा देना फिर खाना। और ये गया नदी के किनारे, चौका लगाया, भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद 2 पत्तल लगाया, एक अपने लिए और एक भगवान के लिए। भगवान का कभी जिंदगी में भोग लगाया नहीं इसने, और सामने पत्तल लगा करके रख दिया। इतना सरल है, इसे लगा कि मानो मंदिर में भगवान आते होंगे खाने, तो आगे लगा कर रख दिया और कहता है आइए प्रभु। गुरुजी ने कहा था भोग लगाना, हम बैठे हैं, आओ। भगवान जब आए नहीं 10-15 मिनट, भूख बहुत लग रही थी तो मन में कहने लगा, बड़े सुंदर भाव में गाने लगा।